हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्निशियन में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं डी एस एस बी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर 16 लेकर आ गया हूँ, जिसका पार्ट 3 है। ये इसका लास्ट पार्ट है और आज जो भी है क्वेश्चन है उसको उस सभी को क्लियर करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका PDF भी दे देंगे। यदि आप लोगों को PDF डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आएगा, यदि आप लोगों को दिक्कत आता है यदि कोई भी डाउनलोड करने में PDF, तो फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग कभी भी कहीं भी और यदि किसी टॉपिक पे नए टॉपिक आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, कल जो है 166 तक ये हो गया था क्वेश्चन, और आज जो है 167 से आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 167 में क्या बोला गया, बीन्स फ्लूइड हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर, बोला गया बीन्स फ्लूइड जो है किसके लिए रिकमेंडेड कि हम लोग करते हैं ज़्यादातर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 167 का बी ऑप्शन नंबर बी इज द रेनल बायोप्सी, ठीक है। इसके लिए करते हैं हम लोग रेनल बायोप्सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट जो है इनमें से इसका चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, EDT है, इथाइल डायमाइड टेट्राएसिटिक एसिड। ये किसका है, चिलेटिंग एजेंट का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, 169 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश इज अ रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट इन विच अ मॉडिफाइड माइक्रोटोम इज हाउस्ड, ठीक है। तो 169 में क्या हो जाएगा, बोला गया कि रेफ्रिजरेटेड का जो कैबिनेट है होता है वो किसके द्वारा मॉडिफाइड होता है, माइक्रोटोम हाउस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग ऑट बाथ बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोवेव ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्रायोस्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रायोस्टेट। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ हीमाटोक्सिलिन। इसका नेचुरल, इसमें बोला नेचुरल ऑक्सीडेशन क्या होता है हीमाटोक्सिलिन का, इसका सबसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रैपेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 171, हीमोसेडरिन इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय हीमोसेडरिन जो होता है किसके द्वारा, कौन सा स्ट्रेन के द्वारा हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सुरांडा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पेपेनिकुलो स्टेन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पैस स्टेन। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, पियर्स पर्सन ब्लू स्टेन। तो इसको हम किसके द्वारा स्टेन करते हैं, पियर्स पर्सन ब्लू स्टेन, या इसको डायरेक्ट पियर्स स्टेन भी बोला जाता है या पर्सन ब्लू स्टेन भी बहुत जगह लिखा रहता है, ठीक है। जैसे सुडान डाई क्या है, उसके किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये ज़्यादातर हम लोग फैट के लिए ही यूज करते हैं। पेपेनिकुलो तो उसका हम कल करवाएंगे, ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये सर्वाइकल कैंसर या ओरल कैंसर के लिए हम लोग यूज करते हैं पैप स्टेन। और पैस स्टेन तो इसे पहले का इसका वीडियो मैं दे दिया हूँ, आप लोग जानते हैं किसके लिए क्या आया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप लोग, भैंकोसा मेथड इज यूज टू डिमोन्स्ट्रेट, भैंकोसा एक स्टेन होता है, तो भैंकोसा मेथड इज यूज टू डिमोन्स्ट्रेट किसके लिए हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी कोलेजन फाइबर के लिए, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए करते हैं हम लोग, भैंकोसा स्टेन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो कैल्शियम एबनॉर्मल कैल्शियम डिपोजिशन होने को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टेन करते हैं, किसके द्वारा, भैंकोसा मेथड के द्वारा। देखिए मैंने हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बराबर आप लोगों को बोल रहा हूँ 3 दिनों से कि आप हिस्टोपैथोलॉजी का जो भी स्टेन मैं करवाया हूँ उसका शॉर्ट लिस्ट दे दिया हूँ कि कौन सा स्टेन किसके लिए यूज होता है और कौन सा कलर लेता है। उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ, आप लोग वहाँ जाकर जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
अभी दिया है कि बोन मैरो कैन बी फिक्स्ड, बोन मैरो जो हम लोग किसके द्वारा फिक्स करते हैं, तो इसका हो जाएगा पिकरी के सीट या जंकर्स फॉर्मल या क्लोरोफॉर्म या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा जंकर्स फॉर्मल होता है, ठीक है। वैसे एक रिएक्ट यूज करते हैं हम लोग, इसका नाम है एसिटिक एसिड जिंक फॉर्मलिन, ठीक है, बोन मैरो को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि 174 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पैराफिन का, 58 टू 60 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेलोडिन एक्ट एज ए इम्बेडिंग मीडियम फॉर, सेलोडिन को हम लोग किस एज ए इम्बेडिंग मीडिया यूज करते हैं, किस टिशू के लिए होता है, हार्ड टिशू या सॉफ्ट टिशू या क्रोमोजोम या मेटोकॉन्ड्रिया के लिए करते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसके अगर हार्ड टिश्यू के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेलोडिन से जो हम लोग इम्बेडिंग करते हैं, इसमें कहीं भी हीट का रिक्वायर इसके लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, कहीं भी इसके प्रोसेसिंग में कहीं भी हीट का रिक्वायर नहीं पड़ता, जैसे कि हम लोग वैक्स में करते हैं उसमें हीट का रिक्वायर जरूरत पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि 176 डिहाइड्रेशन स्टेप इज कैरिड आउट यूजिंग, तो डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस करते हो हम लोग कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ग्रेडेड ऑफ एल्कोहल, यही होगा इंक्रीजिंग ग्रेडेड ऑफ एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, पहले 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90% एल्कोहल में ऐसे करके फिर 100% में डाल करके इसको डिहाइड्रेशन करते हैं। इसके बाद क्या है, वन नंबर क्वेश्चन है कि एग्जांपल ऑफ साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव इसमें से कौन सा है, एल्कोहल इथर फिक्सेटिव क्या है, सॉडिन्स फ्लूड कार्नोइज फ्लूड ऑल ऑफ द, इसके तीनों के तीनों क्या है, एक स्मियर फिक्सेटिव दैट मीन साइटोलॉजिकल स्मियर फिक्सेटिव रिएंट है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंटीजन सेल्स ऑफ टिश्यू सेक्शन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देखिए ये भी एक हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 178 नंबर है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में डिटेक्ट करते हैं एंटीजन या हेप्टेन को इन सेल में, कहाँ पे इन सेल में, सेल ऑफ टिशू मन टिशू के सेल में जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं एंटीजन या हेप्टेन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा मेथड के द्वारा हम लोग ये सब डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है कि 179 डैश आर यूजली ऑप्टेन डायग्नोस और रूल आउट मैलिग्नेंसी, का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FNAC, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मेथड वाइडली यूज्ड फॉर माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन, अच्छा इसमें बोला गया है कि स्पेसिमेन को हम लोग माउंटिंग किसके लिए यूज किए करते हैं वाइडली, जैसे कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं कहीं पे जाते हैं म्यूजियम में, तो वहाँ पर जो किया रहता है माउंटिंग वो किसके द्वारा किया रहता है, ऑप्शन नंबर एक केसरलिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 181 में क्या दिया, आरबीसी काउंट मस्ट बी परफॉर्म फ्रॉम सैटरेट वैल, हेपाटाइनाइज्ड वैल, ईडीटीए या क्लोट वैल, हम लोग ईडीटीए वैल से क्या करते हैं आरबीसी काउंट मस्ट बी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज, एरिथ्रोसाइट का जो नॉर्मल शेप होता है क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, इसका बाइकॉन केव क्या होता है, इसका शेप होता है। नेक्स्ट क्या दिया है कि 183 वेरिएशन इन द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल इज नॉन एज, आरबीसी के जो शेप में वेरिएशन होता है उस कंडीशन टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एनेसोसाइटोसिस नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए इसमें दिया गया मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आते रहते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 64,500 होता है, ठीक है, डाल्टन होता है, इसका यूनिट क्या होता है, डाल्टन होता है, याद रखिए। इसके बाद क्या दिया है, रिएजेंट यूज्ड इन साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड, रिएजेंट जो होता है साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड में कौन सा यूज होता है, डार्किंस रिएजेंट, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, डार्किंस रिएजेंट ही होता है। नेक्स्ट क्या 86 नंबर, सैलिस मेथड इज बेस्ड ऑन कन्वर्सन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एसिड हेमाटिन क्या होता है, कन्वर्सन होता है, यही है बेस्ड इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिड हेमाटिन।
इसके बाद क्या है, नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, 4000 से 10000 पर CUM। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एरिथ्रोसाइट इंडिसेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम, बोला गया कि एरिथ्रोसाइट इंडिसेस जो होता है किसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हीमोग्लोबिन, PCB, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट, इसमें ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, जैसे MCB, MCH, MCHC, इसी के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ठीक है, और हम आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम लोग को शरीर में इंक्रीज हो जाएगा WBC, मान बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 190, रिडक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, किस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो करने की क्षमता कम हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, इसके बाद क्या है, द रेड सेल एंटीजन इन्वॉल्व इन हीम एग्लूटिनेशन इज रिफर्ड एज, इसमें क्या है कि द रेड ब्लड सेल एंटीजन इन्वॉल्व इन हीम एग्लूटिनेशन इज रिफर्ड है, जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है हीम एग्लूटिनेशन प्रोसेस में, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए एग्लूटिनोजन, ऑप्शन नंबर बी एग्लूटिनिन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एग्लूटिनोजन बोलते हैं। इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर के रूप में हम लोग जो मानते हैं वो बोलते हैं हम लोग ओ ग्रुप को, लेकिन ओ ग्रुप में भी किसको, ओ नेगेटिव को, यदि ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो यदि ओ रहेगा तो वो हम लोग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि नेचुरल एंटीबॉडीज आर जनरली ऑफ डाइस टाइप, कितने टाइप का होता है, कौन सा टाइप है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर IgM। ठीक है, वैसे तो नेचुरल एंटीबॉडी होता है IgG, IgM और IgG और IgM, इसको हम मेनली माना जाता है, और IgA भी होता है, लेकिन ये तीनों मोस्टली होता है, लेकिन यहाँ पे IgM भी दिया है, IgG भी दिया है, तो आप दोनों में स्क्वेयर लगा सकते हैं, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों होता है नेचुरली एंटीबॉडी, जैसे कि हम लोग फर्स्ट इन्फेक्शन होता है किसी को, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में था, पिछले वाले क्वेश्चन में इसका पार्ट टू में था, जिसमें कि उसमें गलत हो गया था, मैं भूल से IgG टिक कर दिया था, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, IgM होगा। फर्स्ट जब इन्फेक्शन कोई होता है तो फर्स्ट टाइम जो इलाज होता है एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं हम लोग IgM, तो ये क्या हुआ, नेचुरल एंटीबॉडी कहलाता है। तो यहाँ बोला है जनरली, तो IgM ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग किसको बोलेंगे, होल ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर, नो, हाफ ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर, नो, 40% ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर, नो, 60% ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब बोलेंगे जब हम लोग को 50% से एवं हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, तब उसको बोला जाता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन 24 आवर में। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन जो है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया सीन इन, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया किस कंडीशन में देखा गया है, ये जो देखा गया है ऑप्शन नंबर CML, ऑप्शन नंबर बी AML, ऑप्शन नंबर सी ऑल एंड ऑप्शन नंबर डी CLL। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल CLL हो जाएगा, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में देखा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर। इसके बाद क्या है 96 नंबर क्वेश्चन, पैनसाइटोपेनिया इज द प्रेजेंस ऑफ, पैनसाइटोपेनिया किस कंडीशन में, के कंडीशन में क्या होता है, किस कंडीशन में प्रेजेंस होता है, किसको बोला जाता है, जिसमें इसने ऑप्शन नंबर एक दिया है एनीमिया एंड ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है ल्यूकोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और ऑप्शन नंबर डी सी में क्या दे दिया है एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनीमिया ल्यूकोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, एनीमिया ल्यूकोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये तीनों घटना आपको देखने को मिलेगा किसमें, पैनसाइटोपेनिया में। नेक्स्ट क्या है 97 नंबर क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ कंडीशन विच, किस कंडीशन में होता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज ऑप्शन नंबर ए मदर माने पॉजिटिव होना, आर एच पॉजिटिव होगा और फीटस आर एच निगेटिव इस कंडीशन में। नेक्स्ट ऑप्शन है आर एच पॉजिटिव निगेटिव मदर रहेगा और आर एच पॉजिटिव फीटस रहेगा इस कंडीशन में होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी आर एच पॉजिटिव मदर रहेगा और आर एच पॉजिटिव फीटस भी रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदर आर एच निगेटिव होगा और यदि फीटस आर एच पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस होने का संभावना रहता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नीडल लैक रेड रेड पर्पल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, मानी इन रील लैक रेड पर्पल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है किस कंडीशन में देखा जाता है या किस एबनॉर्मल वेरिएशन माने सेल में आरबीसी में देखा गया है, सॉरी आरबीसी बोलते हैं, किस कंडीशन में किस शेप में पता चलता रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल सेल, ऑप्शन नंबर बी वेहिकुल्स, ऑप्शन नंबर सी ऑलर रॉड्स, ऑप्शन नंबर डी ढोल बॉडीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑरल रॉड्स में इसको देखा गया है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है नीडल लाइक रेड पर्पल कलर का रहता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी साइटोप्लाज्मिक स्टेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 99 नंबर क्वेश्चन, ब्लड कंटेनिंग नेदर एंटीजन ए और नॉर बी बिलोंग टू ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो न ए रखता है न बी रखता है एंटीजन, तो जानते हैं कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओ। द मेजर क्रॉस मैच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर, मेजर क्रॉस मैच हम लोग कैसे करते हैं या किस किस का मिक्सचर होता है करते हैं मेजर क्रॉस मैच में, तो डोनर सेल्स होना चाहिए या पेशेंट सेरम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया पेशेंट सेल और डोनर सेरम, और सी में क्या दिया डोनर सेरम और डोनर सेल, और ऑप्शन सी तो होगा नहीं, सी नहीं होगा इसका मतलब डी डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया पेशेंट सेल होना चाहिए या विथ डोनर का सीरम होना चाहिए, ये भी गलत है, इसका क्या हो जाएगा डोनर सेल होना चाहिए और पेशेंट्स का सीरम होना चाहिए, इसकी तरह ऐसे ही ये दोनों लेकर के हम लोग क्रॉस मैच करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये लास्ट रहा, ये आज का लास्ट पार्ट था डी एस बी टी एस एस बी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।